नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्प्रेड चैनल पर। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है? हमने सुना है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि किस तरह से काम करती है, कौन कौन से मामले लोक अदालत के अंदर जाते हैं, और जब लोक अदालत से हमारे पास में नोटिस आता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हम बाध्य हैं जाने के लिए, या फिर हम अपने इंटेंशन से फैसला ले सकते हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं। इसके अलावा वहां पे जो राजीनामा या समझौते होते हैं वो किस तरह से होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि लोक अदालत होती क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक अदालत लोगों के लिए अदालत। लोगों के लिए तो वैसे सभी अदालतें लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही हैं। लोक अदालत के अंदर मामलों का निपटारा किया जाता है आपसी सलाह, समझौते व समझदारी के साथ में। कहने का मतलब यह है कि जब दो पक्षकार होते हैं किसी भी मामले के अंदर, जब दोनों पक्षकार अपनी सहमति से किसी भी मैटर को सुलझाने के लिए एग्री करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो वह ऐसे मामले लोक अदालत के अंदर जाते हैं। अभी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई 2023 को लगने वाली है। अगर आपका कोई मैटर है, अगर वो पहले ही लोक अदालत में पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सुलझाना चाहते हैं और आपके मैटर पेंडिंग है तो उनको आप लोक अदालत में ले जाकर सुलझा सकते हैं। 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपने जो पास में जो भी नज़दीक के न्यायालय हैं वहाँ पर आप पता कीजिए कि कहाँ पर इस अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का कार्य लंबी मुकदमेबाजी से क्लाइंट को बचाना व कोर्ट में चल रही लंबी पेंडेंसी को ख़त्म करना है। अब हम बात करते हैं कि लोक अदालत के अंदर किस तरह के मैटर जाते हैं। लोक अदालत के अंदर जो मुख्यतः जाते हैं वो सिविल मैटर के मुद्दे जाते हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई सज़ा का प्रावधान नहीं होता है। जैसे मकान, दुकान, आपके बिजनेस की जगह है वहाँ से संबंधित, या आपका जो आम रास्ता है उससे संबंधित मामले। इसके अलावा दूसरे मामले जाते हैं, एक्सीडेंट के मामले, आपके कार या बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, या चेक बाउंस के मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 के मामले। इसके बाद में जो कंपाउंडेबल जो केस हैं वो भी जाते हैं, वो हैं सेक्शन 420, 379, सेक्शन 323 एंड 341। तो ये जो कंपाउंडेबल धाराएं हैं जिनमें समझौते की गुंजाइश होती है, तो ये धाराएं भी हम वहाँ पे जाके सोल्व कर सकते हैं, इनका समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक लोन वगैरह होते हैं उनका भी समझौता जाकर ADR सेंटर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जहाँ लोक अदालतों का गठन करता है, वहाँ पे जाके हम कर सकते हैं। लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक अदालत के अंदर कोई भी डिसीजन होता है तो उसको सिविल कोर्ट के डिसीजन के समान ही महत्व दिया जाता है। लोक अदालत में जो डिसीजन हो जाता है उसके बाद में वो फाइनल डिसीजन होता है। हम कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों पक्षकारों के आपसी सहमति व म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में किया जाता है। लोक अदालत का आयोजन 4 स्तर पर किया जाता है, राज्य प्राधिकरण स्तर पर, उच्च न्यायालय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और तालुका स्तर पर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लोक अदालतें कितने प्रकार की होती हैं। तो मोबाइल अदालतें भी होती हैं, मोबाइल लोक अदालतें, जो आपके पास अलग अलग गांवों में, अलग अलग जो तालुका हैं वहां पर जाके, ब्लॉक्स में जाके, और वहां पर आपसे समझौते से जो केसेज हैं उनका निपटारा करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत जो पूरे देश में एक साथ लगती हैं, स्थायी लोक अदालतें जो अन्य कोई भी लोक अदालतें हैं जो लगती रहती हैं टाइम टू टाइम या कुछ महीनों के अंतराल पर, वो स्थायी लोक अदालतें होती हैं। लोक अदालत के अंदर जब आप अपना मैटर डालते हैं तो आपको कोई भी न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर समझौता करने का अधिकार होता है। लोक अदालत के अंदर कौन कौन से मामले जाते हैं, अब इसके ऊपर बात करते हैं। जो लंबित मामले हैं, जो किसी भी कोर्ट के अंदर लंबित मामले हैं, उन मामलों को लोक अदालत के अंदर ले जाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामले जो कोर्ट के अंदर अभी नहीं आए हैं, उन मामलों को कोर्ट लोक अदालत के अंदर सुलझाया जा सकता है।
तलाक के केस जो 13B HM एक्ट है, हिंदू मैरिज मेंटेनेंस एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो आने वाले मामले हैं उनका अगर आपसी समझौते से अगर उनको सुलझाया जा सकता है तो वो लोक अदालत के अंदर ले जाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल नेचर के जो भी मामले हैं जमीनी, उनको वहाँ पे ले जाकर सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा चेक से रिलेटेड और दुर्घटना से रिलेटेड मामलों को वहाँ पे सुलझाया जा सकता है। तो कोर्ट लोक अदालत ऐसे मामलों को जो कोर्ट में पेंडेंसी है और जिसमें समझौते की गुंजाइश होती है तो उनको अपने पास में मंगवा लेती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से प्रणाली शुरू होती है और कैसे केसेस को इनको सोल्व किया जाता है। सबसे पहले ADR सेंटर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वैकल्पिक विवाद समाधान वो नोटिस जारी करता है दोनों पक्षकारों को और उनके एड्रेस पर भेज देता है। उस नोटिस का मतलब है कि आप लोक अदालत में आइए और अपने आपसी समझौते से सहमति से इस मामले को सोल्व कीजिए, या फिर हम यूं कहें कि जब दोनों पार्टीज एग्रीज हैं किसी भी मामले को सुलझाने के लिए तो वो ADR सेंटर के अंदर या कोर्ट के अंदर से वो मामला लोक अदालत में भेज सकते हैं। लोक अदालत से आपके पास में नोटिस चला जाता है तो यह आपको बाध्य नहीं करता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए तो आप ना करें, कोर्ट में आकर भी आप मना कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। इसके बाद में अगर आप नोटिस लेते हैं तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर आप नोटिस नहीं भी लेते हैं तो भी आपके केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा कंडीशन ये बनती है कि जब आप नोटिस लेते हैं तो उसके बाद में भी ये कोई भी आपके पास में कंपलसरी बात नहीं है कि आप कोर्ट में आइए ही समझौते के लिए। अगर आप नोटिस लेकर नहीं आते हैं तो इससे भी आपके केस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और आपका जो केस है जब आप समझौता नहीं करना चाहते हैं तो वो वापस आपके जिस भी कोर्ट के अंदर लंबित था वहाँ पर भेज दिया जाता है और वो उसी स्टेज से शुरू होता है जिस स्टेज पर वो लोक अदालत में आता है। अब बात आती है कि क्या किसी एक पक्षकार की एब्सेंस में कोई समझौता हो सकता है? नहीं, जब दोनों पक्षकारों की सहमति होती है, दोनों सिग्नेचर करते हैं और दोनों एग्री करते हैं उसके बाद ही कोई समझौता होता है, केस डिसाइड होता है, वरना कोई भी केस डिसाइड नहीं होता है। अब जब आपका केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और जब दोनों पक्षकार उसको लोक अदालत में ले जाने के लिए एग्री होते हैं और कोर्ट यह मान लेता है, न्यायालय यह मान लेता है कि इसका को लोक अदालत में ले जाने के बाद में इसका शीघ्र निपटारा हो जाएगा तो उस केस को लोक अदालत के अंदर भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत के अंदर बैठते हैं वो सभी जजेज ही होते हैं। इसके अलावा कौन व्यक्ति बैठ सकता है? इसके अलावा जो व्यक्ति बैठते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और रुचि लेते हैं वो व्यक्ति बैठ सकते हैं, विधि व्यवसायी व्यक्ति बैठ सकते हैं, या इसके अलावा उत्कृष्ट कार्यकर्ता जो श्रमिक, महिला एवं बच्चों, शहरी एवं ग्रामीण के लिए कार्य कर रहा है, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो इस लोक अदालत के सदस्य हो सकते हैं। अब आप लोक अदालत में अपना मैटर लेके जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है कि आपका कोई भी वकील का खर्चा नहीं लगता है जब आपका मैटर लोक अदालत के अंदर होता है। लोक अदालत में जो मैटर होते हैं उनके ऊपर कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती है। जो आपका मैटर, जो आपका केस पुराना है उसकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। किसी भी पक्षकार को कोई भी सज़ा नहीं होती है, बातचीत और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से उस मैटर को सुलझाया जाता है। मुआवजा व हर्जाना तुरंत मिल जाता है। लोक अदालत के अंदर मामले का तुरंत निपटारा किया जाता है। लोक अदालत के अंदर आसानी से तुरंत न्याय मिल जाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और उस फैसले के बाद में आप किसी भी न्यायालय के अंदर उसी मैटर को लेकर नहीं जा सकते। कहने का मतलब है कि उस फैसले के विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत की टैगलाइन है न्याय सबके लिए, मतलब लोक अदालत लोगों की अदालत, लोगों के लिए अदालत, आपसी समझौते से। वहां पर अगर कोई पक्षकार नहीं मानते हैं, जैसे ए और बी दोनों अपने मैटर को लेकर लोक अदालत में जाते हैं और ए बी से 50,000 रुपये के लिए डिमांड करता है कि मैं 50,000 रुपये दे देगा तो मेरा समझौता हो जाएगा, और बी उसको कहता है कि नहीं, 30,000 रुपये मैं दे सकता हूँ, 50,000 रुपये नहीं दे सकता, तो इसमें न्यायालय ये काम करता है कि उनको बीच के किसी ऐसे वैल्यू पे जहाँ पे दोनों सहमत हों लेकर जाए और इस केस है इसका निपटारा किया जा सके। अगर वो 40,000 रुपये में मानते हैं जिस पे ए थोड़ा कम करके या बी ज़्यादा करके दोनों अगर एग्री करते हैं तो वो समझौता होता है, दोनों साइन करते हैं, उसके बाद वो मैटर वहीं पर ख़त्म हो जाता है और उसका निपटारा हो जाता है। लेकिन अगर वो अड़े रहते हैं
और वो मामला वहाँ पे सोल्व नहीं होता है तो लोक अदालत से वो मामला चला जाता है और वह जिस भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग था वहाँ चला जाता है और जिस स्टेज पे वो चल रहा था वहीं से चलेगा। तो ये लोक अदालत आपको बाध्य नहीं करता कि आप अगर लोक अदालत में आ गए हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा या आपको लोक अदालत से नोटिस गया है तो आपको वहाँ पर आना ही होगा, तो ऐसा कोई बाध्य नहीं किया जाता है आपको। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोक अदालत के अंदर अपने मैटर को सुलझाना चाहते हैं या आप अपने मैटर को नहीं सुलझाना चाहते हैं, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और आपके जो मन में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हुए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लोक अदालत से संबंधित जो भी उनके डाउट्स हैं उसके ऊपर उनको जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।